केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लोकसभा से मंजूरी, स्पीकर बोले चर्चा के बाद तारीख का ऐलान। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। तारीख तय होते ही अविश्वास प्रस्ताव पर होगी बहस, विपक्ष का रुख कड़ा। मणिपुर पर प्रधानमंत्री से सदन में जवाब देने की मांग कर रहा है विपक्ष का दाम, अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री को देना होगा बयान। विपक्ष की सरकार को घेरने के बाद कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने दिया नोटिस। बीआरएस की ओर से लाया गया है अविश्वास प्रस्ताव, मणिपुर मुद्दे को लेकर नाराजगी है। बीआरएस को संसद में मिला एआईएमआईएम का साथ, अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन का फैसला। अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बोले लोगों का कॉन्फिडेंस मोदी जी और बीजेपी के ऊपर है। अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए, रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें, ये मुझे लगता बहाना है। अविश्वास प्रस्ताव पर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार, प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव से कुछ नहीं बदलेगा, देश की जनता का विश्वास खो चुका है विपक्ष। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, बोले हालात पर पीएम को देना चाहिए जवाब। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले कि नंबर बाइन ने नहीं रखता, देश के मुद्दे अहम है। अमित शाह की चिट्ठी का खड़गे ने दिया जवाब, चिट्ठी लिखकर कहा कि दोनों ही सदनों में मणिपुर पर विस्तार से चर्चा हो। गृहमंत्री को लिखी गई चिट्ठी में शाह का आरोप, विपक्ष को दिशाहीन बताना प्रधानमंत्री मोदी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण और बेतुका, ये खड़गे ने लिखा। आज भी संसद के दोनों ही सदनों में जबरदस्त हंगामा, प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अड़ा हुआ है विपक्ष। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों की नारेबाजी, स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से मणिपुर का उठाया मुद्दा, पीएम से की बयान की मांग। मैं एक सोच के उठाता कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए, मैं पूरे अपने सोच को सदन के सामने रख रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप कि मेरा माइक बंद किया गया, मुझे सदन में बोलने नहीं दिया गया, बताया विशेषाधिकार हनन। संसद परिसर में धरना दे रहे आप सांसद संजय सिंह से मिली सोनिया गांधी, बोली हमारा समर्थन आपके साथ। संजय सिंह से मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि अब मुल्क में जवाब मांगना भी अपराध हो गया है। जेपी नड्डा को बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने सौंपी बंगाल के रिपोर्ट, हिंसा के मामलों की जांच के लिए वहां पर प्रभावित इलाकों में पहुंची थी 5 सदस्यीय टीम। आज बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा, ममता के खिलाफ संगीन आरोप। बीजेपी ने लगाया पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार का गंभीर इल्जाम, सदन के अंदर जमकर नारेबाजी। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला, बोले मंदिर में घंटी बजाना हिंदुत्व नहीं बल्कि देश की रक्षा करना ही असली हिंदुत्व है। उद्धव का बयान, पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक गौहत्या पर लगे प्रतिबंध, फिर करेंगे यूसीसी पर बात। यूपी के मंत्री रघुराज प्रताप सिंह का विवादित बयान, कहा कि 4 लाख मस्जिदों को मुक्त कराकर हिंदुओं को सौंपा जाए। औरंगजेब ने 4 लाख मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिद बनाई थी, इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि पूरे देश के 4 लाख मंदिरों को तत्काल प्रभाव से हमको हिंदू मंदिर बना देना चाहिए। हिंदू मणिपुर में हिंसा के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, जयपुर में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। आज इम्फाल में सुरक्षा बलों को की 2 बसों को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया, कोई जख्मी नहीं हुआ। मणिपुर में अभी भी तनाव बरकरार, कुछ हिस्सों में इंटरनेट पर लगी पाबंदी को हटाया गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का केंद्र और मणिपुर सरकार पर हमला, कहा पीएम मोदी से मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की उन्होंने मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग पर भी स्वाति मालीवाल ने साधा निशाना, कहा कि गैंगरेप और हिंसा की जानकारी थी फिर भी नहीं कार्रवाई की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मणिपुर सरकार को आदेश, कहा सुनिश्चित करें राज्य में और हिंसा ना भड़के। द्रास पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा कि जरूरत पड़ी तो हम LOC पार कर सकते हैं। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 26 जुलाई 1999 को हमारी सेनाओं ने LOC पार नहीं किया क्योंकि हम शांतिप्रिय देश हैं। LOC नहीं पार कर सकते थे,
हम एलओसी पार कर सकते थे और हम एलओसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में एलओसी हम पार करेंगे। 24वें कारगिल दिवस पर देश के शहीदों को कर रहा है देश याद। कारगिल दिवस पर द्रास में रक्षा मंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। द्रास में वॉर मेमोरियल पर सेना के कई अधिकारियों ने भी अर्पित की श्रद्धांजलि। वीर सपूतों की कुर्बानी को किया गया याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर बोले, पराक्रमियों की शौर्य गाथा सदैव प्रेरणा शक्ति बनी रहेगी। उधमपुर में भी कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम आयोजन। नदन नामी कमान मुख्यालय में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। द्रास में सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कारगिल विजय दिवस से पहले विजय भोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम में लिया भाग। लद्दाख स्काउट्स का शानदार प्रदर्शन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम में पहुंचे। लखनऊ में शहीद स्मृति वाटिका में श्रद्धांजलि दी। देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शहादत को किया याद। चीरबाग शौर्य स्थल पर जाकर नमन किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन से पहले पहुंचे पीएम। हवन देख रहे हैं कि शाम 6:30 बजे पीएम आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स आएंगे और उद्घाटन करेंगे। शाम करीब 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी होगा। 2700 करोड़ की लागत से 123 एकड़ में तैयार हुआ है आईईसी से इसमें 3000 सीट का एमपी थिएटर भी मौजूद। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का मिलेगा दर्जा। सूत्रों के हवाले से खबर, जल्द कोटा होगा तय। कल गृहमंत्री अमित शाह ने गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोगों के साथ की थी मुलाकात। दोनों ही समुदायों ने पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने का विरोध किया था। ज्ञानवापी मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी में जो हो रहा है वो ठीक नहीं। मुस्लिम पक्ष ने कहा, उन्होंने आरोप भी गंभीर लगा, कहा कि एसआई के जरिए सबूत इकट्ठा करना चाहता है हिंदू पक्ष। अदालत में मुस्लिम पक्ष का बयान कि सर्वे हुआ तो मस्जिद की पूरी इमारत ही खत्म हो जाएगी। हिंदू पक्ष का अदालत में बयान, खुदाई जरूरी लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं, जरूरी हुआ तो खाली जमीन पर खुदाई होगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा, एएसआई को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। हिंदू पक्ष ने कहा कि यह एक वैधानिक संस्था, पार्टी बनाना जरूरी नहीं। राजस्थान के बीजेपी सांसदों का लाल डायरी दिखाते हुए संसद भवन में प्रदर्शन। लाल डायरी का राज खोलने की मांग। ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल चौथी बार बढ़ाने पर गुहार। केंद्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। कल गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे ईडी निदेशक के मसले पर सुप्रीम कोर्ट करेगा अब सुनवाई। 11 जुलाई को अदालत ने कहा था कि संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना गलत है। अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ सोमवार तक ईडी को कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जारी किया फरमान। कांग्रेस नेता कमलनाथ का चुनावी ऐलान, बोले कि हम सत्ता में आए तो कृषि न्याय योजना लाएंगे, 37 लाख किसानों को फायदा होगा। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, कई जगहों पर बड़ी मुसीबत, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल पार्क में के पास में जल भरा, दफ्तर जाने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ी। नोएडा सेक्टर 62 में भारी बारिश के बाद बिबस हुए लोग, सड़कों पर आवाजाही मुश्किल। मूसलाधार बारिश के बाद से सड़क पर सैलाब, बाइक सवार फंसा, कई अन्य गाड़ियां भी आफत में फंसी। गौतम बुद्ध नगर में स्कूल बंद। आईटीओ चौराहे के पास में गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, पानी भरने के चलते एक बार फिर से संकट। गाजियाबाद में भी भारी बारिश के बाद से बढ़े बाढ़ जैसे हालात, प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ के जवान। उदयपुर में पुल के ऊपर से बह रहा है मोरन का पानी, सैलाब के बीच में फंसे दो युवक एक पिलर का सहारा लेकर बचाव का इंतजार करते रहे। क्रेन की मदद से दोनों ही युवकों को पहुंचाए गए रस्सी, फिर दोनों की बचाई गई जान। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में समंदर में पलटी नाव, हादसे में एक मछुआरे की मौत। वारंगल में कई इलाकों में बाढ़ के चलते हालत गंभीर, एनडीआरएफ की तैनाती, कई लोगों को किया गया रेस्क्यू। गुजरात के डांग में भारी बारिश के बाद से उफान पर झरना, लोगों के आशियाने तबाह। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते कहर देखने को मिला, 2000 से ज्यादा परिवार प्रभावित। कुल्लू की गड़सा घाटी में बादल फटने से तबाही, कई मकानों को नुकसान, सैलाब में 2 पुल बह गए। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, 6 सड़कें बंद, नदी नाले उफान पर है। देहरादून में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है, सड़कों पर जलभराव से जनजीवन प्रभावित। तेलंगाना के निजामाबाद में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन।
राज्य मंत्री वेमुला रेड्डी ने निजामाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। कर्नाटक के हरंगे बांध से छोड़ा गया पानी, आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कर्नाटक के हासन में मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन, आवाजाही प्रभावित। कर्नाटक के हावेरी में भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में भरा पानी, जलभराव से लोगों की मुसीबतें बढ़ी। एमपी के दमोह में जलाशय टूटने के चलते 3 गांव जलमग्न, ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग में लगातार हो रहा है भूस्खलन, प्रशासन ने रात में वाहनों के संचालन पर लगाई रोक। वारंगल में भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न, रेस्क्यू में जुटे एनडीआरएफ की टीम। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, 20 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में बारिश के चलते रेड अलर्ट, कई जिलों में स्कूल बंद। पाकिस्तान के एक ब्लॉगर ने वहां पर पहुंची अंजू का नया वीडियो जारी किया, अपने दोस्त नसरुल्लाह के साथ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पहुंची। पाकिस्तान गई अंजू की शादी को लेकर आया ट्विस्ट, दोस्त नसरुल्लाह ने निकाह से किया इनकार। धन परिवर्तन की खबरों को भी अंजू ने किया खारिज, नसरुल्लाह का दावा कि वो 20 अगस्त को लौटेगी भारत। स्थानीय पुलिस का दावा कि अंजू और नसरुल्लाह में निकाह हुआ, शपथ पत्र आया सामने। बिहार के गया में संपत्ति के लालच में बेटे ने करवाई पिता की हत्या, आरोपी बेटे समेत अन्य आरोपी गिरफ्तार। बिहार में बाढ़ में फिरौती के लिए 6 साल के बच्चे का स्कूल से अपहरण, 10 घंटे के अंदर बच्चे को सकुशल किया गया बरामद, हालांकि आरोपी फरार। आगरा के कागरौल में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई, दो लोगों की हत्या कर दी गई, पुलिस कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक छात्र का शव पंखे से लटकता हुआ मिला, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बिहार के नालंदा में सड़क हादसे में 10 साल के बच्चे की मौत, परिजनों का सड़क पर हंगामा, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई।